झोना है बिल्कुल वधिया सी, हड़ आउण नाल सारा झोना खराब हो गया। फिर 3-4 महीने लगातार ये जमीन च पानी खड़ा रहा। कणक का टाइम आया उदों भी इस जमीन च पानी खड़ा रहा सीगा। फिर हुण थोड़ी उपजाऊ मतलब कि बहुत योग हुई जमीन, हुण साडी मतलब कि सहायता की खालसा एड ने सानू बीज दिता। मक्की की बिजाई कर लगे हाँ असी, ये पहली बार कर लगे हाँ, कभी भी इतने मक्की की बिजाई नहीं हुई सी, क्योंकि होर इतने फसल इस टाइम कोई हो भी नहीं सकती, मक्की हो सकती है। जो भी वीर खालसा एड नू दसवंध देंदे आ उह मतलब कि दसवंध पूरा किसानां तक पहुँच रहा वा, पूरी सहायता कर रहे हैं खालसा एड, वधिया बीज दिता वा। ये नहीं है कि डुप्लीकेट बीज दिता, इदा का कोई नहीं गा, जिहड़ा एक नंबर का बीज साढ़े तक पहुँचाया जा रहा है। बहुत खुश है मन, मतलब कि जे ना जमीन नहीं तो खाली रहनिया सी, मक्की बीजी नहीं जानी झोने तक, इदा ही रहनिया सी, क्योंकि हड़ां ने लाख ही तोड़ता एक तरह का किसान का साल की खेती, मतलब साल एक पैली जमीन खाली रह जाए तो किसान के पल्ले कुछ नहीं। हुण मतलब खालसा एड ने सानू बीज दिता, असी मतलब कि हुण बीज के आपका खर्चा पानी मतलब कि साडा चलूगा, हुण गांह असी झोना लाउण दे योग हो जाएंगे, साडा मतलब झोना लावांगे इस जमीन च, मक्की दी जो भी ये तो मुनाफा होगा वह झोना लाने योग हो जाएंगे असं।